नमस्कार अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है मैं हूं रमता सिंह आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नमामि गंगे एक नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ बड़ा और व्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम कहा कृषि और श्रम सुधारों से श्रमिक किसान युवा और महिलाएं सशक्त होगी रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सीएम जिले के ओयान में रेशम और खादी के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर शुरू विधायक ने नोम ने कहा राज्य सरकार ने रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग की थी स्थापना राज्य में कोरोना से दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर हुई सोलह राज्य भर से सोमवार को दर्ज हुए कोविड के रिपोर्ट तीन नए मामले रैपिड एंटीजन टेस्ट का शुल्क एक समान करने और दिशुल्क, आर टी टेस्ट सीओ टेस्ट निशुल्क करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत छह बड़ी परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया इन परियोजनाओं में जगजीतपुर में 6 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र का निर्माण और 2 करोड़ 70 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मौजूदा संयंत्र में सुधार तथा हरिद्वार के सराय में 1 करोड़ 80 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है प्रधानमंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय देश में प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के मिशन में लगा है उन्होंने कहा कि देश के मजदूरों किसानों युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसानों मजदूरों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए हैं प्रधानमंत्री ने गंगा को समर्पित पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया यह संग्रहालय हरिद्वार के चंडी घाट में स्थित है इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान से गंगा नदी पर संलिग्त रूप से प्रकाश पुस्तक का भी, भी किया गया। इससे गंगा की संस्कृति और जैव विविधता के बीच तालमेल दर्शाया गया है प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगों तथा इस मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए भी मार्गदर्शिका का भी अनावरण किया माँ गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले छह बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया इसमें हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है जल जीवन मिशन भारत के गांवों में हर घर तक शुद्ध जल पाइप से पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है मिशन का लोगों निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है वहीं ये मार्गदर्शिका गांव के लोगों ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशीनरी के लिए आवश्यक है आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म्स का ये सिलसिला देश के संसाधनों को बेहतर बनाने का ये सिलसिला देश हित में है देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए है देश को ताकतवर बनाने के लिए हैं और ये निरंतर जारी रहेगा रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज ईस्ट सियांग जिले के औयान में रेशम और खादी के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर शुरू हो गया है इसके उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक दिन रेशम विभाग के उपनिदेशक डी रुबा और विभाग के डेवलपमेंट ऑफिसर तालोंग तादंग हस्तकला निर्यात संवर्धन परिषद के डिजाइनर ओनिमा ताइंग और हेड गाँवुरा मुहिम पाइत मौजूद थे इस अवसर पर श्री रूबा ने कहा कि रेशम उत्पादन से साल भर कमाई की जा सकती है विधायक तेनोंग येरिंग ने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग स्थापित किया है इस केंद्र में स्थानीय बुनकरों के लिए बुनाई और कड़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी उनके द्वारा तैयार किए गए वस्त्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए भेजा जाएगा दो तो दो यूनिट्स हैं ओन बस्ती में सेल्फ में और आप आप दबिंग में जाइए रुकसिन जाइए रायांग जाइए लिंका जाइए इस पूरे इलाके में अभी जिस प्रकार से सेरिकल्चर उत्पादन जो बढ़ गया है तो मैं सोचता हूँ कि ये समस्या इसमें कोई एटलीस्ट रॉ मेटीरियल्स के लिए यहाँ कोई समस्या नहीं होगा तो इसलिए यहाँ जिस प्रकार से सरकार ने भी इसका शामिल हुआ है इसी से पता लगता है लोगों में एक इच्छा है उनका लोगों में कुछ काम करने का कि हमारे जो भविष्य में एटलीस्ट मेरे जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी ये एक मार्गदर्शन दिखाएगा अन्य कॉन्स्टिट्यूंस के अन्य राज्यों को भी और अन्य डिस्ट्रिक्टों को भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ़ एम एस एम ई को थैंक्स देना चाहूँगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरफ से जो हम लोग को स्पॉन्सर्ड करके ये सी एफ सी रॉ मटेरियल बैंक वगैरह जैसे अभी आपका वर्किंग कैपिटल भी है वही वर्किंग कैपिटल से हम लोग यान वगैरह खरीद के

बी तो एस बीएसएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात मिजोरम में तीन उग्रवादियों को धर दबोचा है और इन उग्रवादियों के पास से अट्ठाईस ए के फोर्टी सेवन राइफलें एक ए के सेवेंटी फोर राइ पल, राइफल एक अमेरिकन शूटिंग गन अट्ठाईस और करीब सात हजार आठ सौ कारतूस ने हथियारों का ये बड़ा जाखिरा एक जीप की सीट के नीचे खुफिया बॉक्स में रखा था नॉर्थ ईस्ट में हाल के वर्ष में पकड़ी गई हथियारों की सबसे बड़ी कैफ है बी के खुफिया विभाग के अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि म्यांमार से हथियारों का बड़ा जाखिरा भारत में आया है जिसका इस्तेमाल मिजोरम सहित नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हिंसक गतिविधियों के लिए होने वाला है इसी सूचना की आधार पर बीएसएफ ने कार्रवाई राज्य में कोरोना से दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर सोलह हो गई है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से के अनुसार सोमवार को राज्य भर से कोविड के रिकॉर्ड तीन नए मामले दर्ज किए गए जिसके साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है जिसमें से दो सक्रिय मामले हैं कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 117, सौ सत्रह पापुम जिले से छियासी वेस्ट सियांग से 24, लोअर सियांग से 21 लोही जिले से तेरह ईस्ट सियांग और अपर सिबनसिरी जिले से बारह बारह मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा वेस्ट कामेंग जिले से नौ चांगलांग से आठ तिराप से पाँच लोअर दिबांग वैली और नमसाई जिले से चार चार पाके केसांग लोअर सिबनसिरी और ईस्ट कामेंग जिले से दो दो और अंजाव जिले से कोविड का एक नया मामला सामने आया है इधर राज्य सरकार ने कोविड नाइन्टीन से उपजी स्थितियों की समीक्षा करते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट का शुल्क सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान दो सौ रुपये करने और आर टी टेस्ट को निःशुल्क करने का निर्णय लिया है राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के आला अधिकारियों की बैठक में पापुमपारी जिले के मीतपुर कोविड केयर सेंटर को मल्टी यूटिलिटी कोविड मैनेजमेंट के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया राजधानी ईटानगर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासनिक कार्यो में लगे चिकित्सकों को कोविड ड्यूटी में लगाने और आईसीआर के जिला चिकित्सा अधिकारी को कंटैक्ट ट्रेसिंग ऑन द स्पॉट सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग के लिए पांच फ्लाइंग स्क्वाड दिया जाएगा कुशल चिकित्सा कर्मियों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में आवेदन करने वाले मेडिकल ऑफिसर पद के उम्मीदवारों को उनकी एम अंतिम वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर मानदेय पर छः महीने के लिए उनकी सेवाएं लेने की संभावनाओं का पता लगाने को कहा है देश में कोविड 19 संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है पिछले 24 घंटों के दौरान करीब पचासी हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या आज इक्यावन लाख पार कर गई है कुल मिलाकर स्वस्थ होने वालों की दर अब तिरासी दशमलव शून्य एक प्रतिशत हो गई है पिछले 24 घंटे के दौरान सत्तर हजार पाँच नए मामले सामने आए हैं इनको मिलाकर देश में संक्रमितों की संख्या इकसठ लाख पैंतालीस हो गई है फिलहाल कोरोना संक्रमितों की संख्या नौ लाख सैंतालीस हजार सौ छिहत्तर है पिछले 24 घंटे में सात सौ छिहत्तर लोगों की मौत हुई है इस तरह कुल मिलाकर मृतकों की संख्या छियानबे हजार तीन सौ है देश में पिछले 24 घंटों में लगभग ग्यारह लाख पचास हजार नमूनों की कोविड जांच की गई असम के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेत्री अनवरा तैमूर का सोमवार को निधन हो गया असम की एकमात्र और पहली महिला मुख्यमंत्री का निधन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है उनका निधन तिरासी वर्ष की उम्र में हुआ उल्लेखनीय है कि तैमूर उन्नीस सौ बहत्तर अठहत्तर उन्नीस और उन्नीस में असम विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी उन्नीस में वे राज्य के कृषि मंत्री के रूप में तैमूर उन्नीस में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए शोक व्यक्त किया है राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल समेत भाजपा कांग्रेस के अध्यक्ष व अन्य नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है निर्वाचन आयोग ने आज बिहार में लोकसभा की एक सीट और 11 राज्यों के छप्पन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड कर्नाटक ओडिशा, हरियाणा छत्तीसगढ़ तेलंगाना और नागालैंड के चौवन विधानसभा सीटों के लिए इस वर्ष तीन नवंबर को मतदान कराया जाएगा बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की दो विधानसभा सीटों के लिए सात नवम्बर को मतदान होगा मतगणना दस नवम्बर को की जाएगी हालांकि आयोग ने असम केरल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव की घोषणा नहीं की है उसने कहा है कि निर्वाचन कराए जाने और इससे संबंधित परेशानियों के बारे में राज्य राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की सूचना उपलब्ध होने के बाद कोई फैसला किया जाएगा करादाली जिले के ताली में फ्रंटियर हाईवे परियोजना के लिए सर्वे को लेकर एक बैठक हुई बैठक के दौरान कुरुंकु में करादादी और अपर सुबसरी जिले के लिए प्रस्तावित फ्रंटियर हाईवे के तहत ताली विधानसभा क्षेत्र में भूमि के सर्वे और अधिग्रहण के संबंध में जिले के अधिकारियों ने स्थानीय विधायक जी के ताकोर की मौजूदगी में विचार विमर्श किया श्री ताको ने कहा कि मानसून सीजन खत्म होने वाला है और अगले महीने से इस परियोजना के सर्वे का कार्य त्वरित गति से पूरा हो सके इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के समिति बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि परियोजना को लेकर किसी तरह का विवाद न हो इसे ध्यान में रखते हुए एहतियात बरती जा रही है अरुणाचल एक फ्रंटल हाईवे का एक प्रपोजल हमारा किरण जी साहब ने पहले से उसका ड्रीम प्रोजेक्ट अभी हमारा यह है अब तीन दृष्टि को कवर करता है एक क्रंग में करादादी इनफार्षम श्री तो करादादी हमारा तली कंसंटेंसी तली कंसंटेंसी में टच हो रहा है अपने हम लोग आज डी सी साहब ने मीटिंग रखा हमारा सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन का एक जो कंपनी है उन उस, उसका साथ मीटिंग हम लोग ने फिक्स किया और डिस्कशन हो रहा है कि इससे सर्वे प्रॉपर है कि नहीं है किस टाइप का जाना चाहिए कहाँ क्या है उसका डिटेल डिस्कस हुआ है और हम लोग अपना माइनर्स निकाल के जो काम प्रॉपर ये अभी वर्किंग सीजन भी आ गया काम जितना और जितना स्पीड ले जाएगा त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री प्रंजित सिंह रोई ने कहा कि त्रिपुरा में पर्यटन को आगामी एक अक्टूबर से पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है कल अगरतला के पास दुमबूर लेक में फ्लोटिंग जीटी का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री रोई ने कहा कि राज्य सरकार कोविड नाइन्टीन महामारी के चलते वन पर्यटन क्षेत्र को खोलने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और पर्यटकों के अनुकूल तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है पर्यटन मंत्री ने कहा कि कोविड 19 से उपजी परिस्थितियों के मद्देनजर पर्यटकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खनिज और विटामिन जैसे कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इन पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है आहार जो कुछ भी हम खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं उसी से हमारा शरीर इन जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है इन्हीं जरूरी पोषक तत्वों में विटामिन सी भी शामिल है कई बार बिगड़ी आहार शैली विटामिन सी की कमी का कारण बन जाती है अलावा टमाटर स्ट्रॉबेरी कीवी इनमें भी विटामिन सी होता है छोटे बच्चे जो माँ के दूध पे होते हैं स्तनपान पान वाइटामिन सी की कमी को उनमें रोकता है वाइटाम सी की दिक्कत यह है कि वो नष्ट बड़ी जल्दी होता है नष्ट होता है भंडारण से अगर आप वाइटमिन सी अगर आप जूस को रखेंगे तो कुछ टाइम में उसका वाइटामिन सी कम होना शुरू हो जाता है अगर आप खाने को ज़्यादा पकाएंगे तो उससे भी वाइटामिन सी नष्ट हो जाता है और फूड प्रोसेसिंग से भी वाइटामिन सी नष्ट होता है तो आमतौर पर अगर आप ये फ्रूट्स और फल और सब्जियां खा रहे हैं तो आपको वाइटामिन सी के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है पर कुपोषित लोगों में जिनको कोई दुर्बल पुरानी या कोई बीमारी होती है या जो ये फल और सब्जियां नहीं खाते हैं उनके अंदर हमारे को विटामिन सी भी सप्लीमेंट करना पड़ता है ये एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव से बचाता है अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ आप देखते रहिए अरुण प्रभा नमस्कार